मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पायर। दिसंबर में तीन बहुत बड़ी फिल्में आ रही है, पानीपत जिसमें संजय दत्त और उनके साथ साथ अर्जुन कपूर है, तो वहीं अक्षय कुमार की गुड न्यूज़ आ रही है और सलमान खान की यानी कि भाईजान की दबंग 3। तो हम यहाँ पब्लिक से ये जानने के लिए आए हैं कि वो सबसे ज़्यादा कौन से फिल्म के लिए एक्साइटेड है, चलिए जानते हैं। ओके, दिसंबर में तीन बहुत बड़ी फिल्में आ रही है जिसमें एक पानीपत है जिसमें संजय दत्त और अर्जुन कपूर है, अक्षय कुमार के गुड न्यूज़ और दबंग 3 भाईजान की, तो आप किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड? दबंग 3। यस। क्या एक्सपेक्टेशन है सलमान का? जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिस तरह से हुआ था काम, उस तरह से उससे डबल हो लूज। और यहाँ पे क्या बोलना चाहोगे, तीनों फिल्में के ट्रेलर आ चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा फिल्म का ट्रेलर? दबंग, उसके बाद गुड न्यूज। इसमें अक्षय कुमार और करीना कपूर काफी समय के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद आ रहे हैं साथ में, तो कितना मतलब उसके लिए कितने एक्साइटेड हो दोनों को पर्दे पर वापस? फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है, तो बहुत मजा आएगा पिक्चर देखने में। आप सबसे पहले फर्स्ट शो देखने कौन सी फिल्म जाओगे? दबंग। यस। और इस पे क्या बोलोगे, तीनों फिल्में जो है दिसंबर में ही रिलीज होने वाली है, तो बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा धमाल कौन मचाएगा? ऑलमोस्ट दबंग, उसके बाद गुड न्यूज़ आएगी। सलमान खान और अक्षय कुमार में क्या बोलते हो कि टक्कर होगी? फुल टर्सन होगी। यस। दोनों फिल्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमाई कौन करता है? ऑलमोस्ट दबंग का सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि बहुत टाइम बाद दबंग आ रही है, दबंग 3। ट्रेलर कैसा लगा दबंग? फाड़ू है एकदम। यस, 100%। बस 102%। और इस पे क्या बोलोगे, पानीपत अच्छा है पर संजय दत्त के लिए हम देखने जा सकते हैं। ओके, सलमान खान की दबंग 3, अक्षय कुमार की गुड न्यूज़ और पानीपत आ रही है संजय दत्त अर्जुन कपूर की, तो आप कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? ऑब्वियसली पानीपत। यस यस। पानीपत के लिए क्यों एक्साइटेड हो? अरे इतना हिस्टोरिकल, इतनी स्टोरी है और इतनी अच्छी स्टोरी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए ही जाएंगे। इसमें संजय दत्त और अर्जुन कपूर है, तो इनके बारे में क्या? दोनों अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और संजय दत्त विलन रोल में रहेंगे, तो अच्छा काम करेंगे वो। तीनों फिल्म में से ट्रेलर देखा आपने, तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रेलर किसका लगा? पानीपत का ही लगा मुझे, इसलिए ही जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है दोनों से, संजय दत्त और फिर अर्जुन कपूर? संजय दत्त तो अच्छे एक्टर है ही, अच्छा ही काम करेंगे। अर्जुन कपूर की इतनी फिल्में नहीं देखी है मैंने, अभी देखेंगे। ओके, दिसंबर में तीन सबसे मतलब बहुत बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, तो क्या लगता है कौन होगा बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा धमाल मचाएगा मूवी के हिसाब से? पानीपत और गुड न्यूज़ भी मचा सकता है, क्योंकि अक्षय जी है उसमें। और दबंग 3 के बारे में क्या? उसका थोड़ा क्लास अलग है ना, मतलब व्यूअर्स जो है उनका क्लास थोड़ा अलग है, वो भी मचा सकती है उस क्लास के हिसाब से। ओके, दिसंबर में तीन बहुत बड़ी फिल्में आ रही है, एक पानीपत, गुड न्यूज़ और दबंग 3, तो आप कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड? दबंग। दबंग 3 क्यों? सल्लू है, मतलब बहुत बड़े फैन हो आप लगते हैं। हाँ भाई, तो उनके भाई उनके स्टाइल में कुछ एक्टिंग करके दिखा सकते हो? नहीं नहीं। ओके, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे, क्या एक्सपेक्टेशन है सलमान खान से और दबंग? सलमान खान तो सबसे अच्छा है भाई, सब बार ही अच्छा ही करता है, ये बार भी उसके पास ये वही एक्सपेक्टेशन है। तीनों फिल्में के ट्रेलर देखे क्या? नहीं भाई, सल्लू भाई बस। अच्छा, दबंग 3 का ही सिर्फ देखा है? हाँ। क्या लगता है ब्लॉकबस्टर होगी? होगी ना, हर बार जैसा होगी। ओके, दिसंबर में तीन बहुत बड़ी फिल्में आ रही है, एक पानीपत है संजय दत्त अर्जुन कपूर की और अक्षय कुमार की गुड न्यूज, दबंग 3 सलमान खान की, तो आप कौन से फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड? गुड न्यूज। क्यों, उसमें क्या खास लगा? अक्षय कुमार कॉमेडी लगता है, वो ट्रेलर देखते ही मतलब स्पर्म मिक्स हो जाते हैं, ऑल्सो गुड न्यूज़ के लिए मैं ये हूँ। अक्षय कुमार से क्या एक्सपेक्टेशन है? अच्छा रहेगा, कॉमेडी रहेगा फिर भी। और काफ़ी समय के बाद इसमें गुड न्यूज़ में करीना कपूर और अक्षय कुमार साथ में, तो इसके बारे में सही है? लास्ट टाइम वो कौन से पिक्चर में थे यूजुअली? हाँ, उसके बाद अभी डाउटफुल है, मुझे कुछ आइडिया नहीं, देखूंगा अभी जाके जब आएगा तब। ओके, दिसंबर में तीन बहुत बड़ी फिल्में आ रही है, पानीपत और फिर ये दबंग 3 और गुड न्यूज़, तो आप कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड? दबंग 3 के लिए। दबंग 3 के लिए क्यों?
उसमें, क्योंकि सलमान खान भाई जान है, बहुत मेरे को उनकी अच्छी एक्टिंग लगती है और उनका दबंग सीरीज़ पहले से ही अच्छा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी अच्छा जाएगा। तो इस पे क्या बोलना चाहोगे, क्या मतलब ये तीनों फिल्में जो है दिसंबर में रिलीज होने वाली है, तो बॉक्स ऑफिस पर कौन सबसे ज़्यादा धमाल मचाएगा? दबंग 3। पूरा 100% चांस है? हाँ, मेरे को तो लग रहा है दबंग 3। पानीपत मुझे नहीं लग रहा है इतना करेगा, पर दबंग 3 के लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ, मेरे को लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा करेगा। और अक्षय कुमार की जो गुड न्यूज़ है उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मेरे को मतलब उसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ट्रेलर देख के मतलब इतना मज़ा नहीं आ रहा है, पर दबंग 3 ज़्यादा अच्छी है, मेरे को ऐसा लग रहा है उससे। तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रेलर आपको कौन सा? दबंग 3। थैंक यू सो मच। सो जैसा कि आपने देखा पब्लिक की क्या रहा है, वेल आपका क्या है कहना, आप कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो और आपको ट्रेलर तीनों में से किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मनीषा तिवारी, बॉलीवुड स्पाइक।